नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जीवन 24 और मैं हूं आपके साथ समृद्धि कौशिक। भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI को बैन कर रखा है, लेकिन जमीन पर कई राज्यों से उसकी गतिविधियां अभी भी चल रही हैं, उसे फंडिंग भी लगातार मिल रही है। इसी बीच खबर आई थी कि PFI साल 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए वह मुस्लिम युवाओं को गुमराह कर रहा है, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है। अब उसी मामले में जांच एजेंसी NIA ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है। PFI के ही 2 सदस्यों को इस मामले में आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले साल सितंबर में PFI ने एक बड़ी साजिश रची थी। इस साजिश के तहत अलग अलग समुदाय के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश की गई थी। इसके साथ मुस्लिम युवाओं का माइंड ब्रेन वॉश भी किया जा रहा था, उन्हें हथियारों से ट्रेनिंग दी जा रही थी। यह सब साल 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी थी। इस मामले में जांच एजेंसी ने मोहम्मद आसिफ और सादिफ सरफ को आरोपी बनाया है। ये दोनों ही आरोपी न सिर्फ मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दे रहे थे, बल्कि ट्रेनिंग कैंप भी लगातार आयोजित करवा रहे थे। इनका सिर्फ एक काम था, मुस्लिम युवाओं में यह डर पैदा करना कि इस्लाम खतरे में है। उस डर के जरिए ही यह अपनी दुकान चला रहे थे, देश को बांटने की तैयारी कर रहे थे। असम में बिहार के फुलवारी शरीफ ने, जो PFI के कार्यकर्ता थे, उन्होंने ऐलान कर रखा था कि हर हालत में PFI का काम रुकना नहीं चाहिए और फंडिंग भी लगातार होती रहे। आरोप ये भी था कि बिहार के चंपारण में एक खास जाति के शख्स को मारने के लिए इन लोगों ने हथियार का इंतजाम भी किया था। इसी मामले में पिछले महीने में भी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, फिर 5 और पकड़े गए, यानी कि यह आंकड़ा 8 तक पहुंच गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में बिहार के फुलवारी शरीफ में PFI ने एक ट्रेनिंग रखी थी। आरोप यह था कि इस ट्रेनिंग के जरिए हिंसा के लिए प्रोत्साहित किया गया था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN 24।